वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू लॉन्च पैट आई एस सो आज डिस्कस करेंगे द हिंदू सभी इंपॉर्टेंट न्यूज एज वेल एज एडिटोरियल एज वेल एज टेक्स्ट एंड कंटेक्सट पेज पे क्या पढ़ना है कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आज के न्यूज पेपर में बहुत जरूरी हैं. सो वी आर बेसिक कंसेप्ट एज वेल सो दिस क्लास है थर्टी ए एम इन द मॉर्निंग एवरी डे सो वी डिस्कस वॉट इज इम्पॉर्टेंट द बेसिक पर्पस इज इसके बाद आपको न्यूज पेपर पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे आई होप यू कैन सी दिस वीडियो वेरी क्लियरली और आपको मेरी आवाज़ भी साफ साफ आ रही है सो वी कैन स्टार्ट विथ टूडेजन ऑफ द न्यूज पेपर सिक्स ऑफ दिसंबर न्यूज पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट ऑल्सो फॉर स्टेट सिविल सर्विस बिकॉज इन ऑल द स्टेट बी एट यूपी हरियाणा हिमाचल पंजाब राजस्थान जितने भी आईएएस एस्पिरेंट्स हैं दे रीड द हिंदू न्यूज़पेपर 90% ऑफ देम एंड दे आल्सो गो अहेड टू गिव द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स तो आपका कंपटीशन जो है दे आर रीडिंग द आइडियाज व्हिच आर कमिंग इन द हिंदू न्यूज़पेपर डेली सो आपके करंट अफेयर्स भी उसी लेवल के प्रिपेयर्ड रहने चाहिए इफ यू वांट टू गिव देम अ गुड कंपटीशन राइट सो स्टार्ट करेंगे इस पीडीएफ uh, को आप लॉन्च पैड आई टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो एंड यू ऑल्सो गेट द लिंक ऑफ द डेली न्यूज़ पेपर क्लास जो वैसे तो इलेवन थर्टी होती है सो यू कैन सेट अ टाइमर ऑफ योर ओन अदरवाइज यू गेट द लिंक देयर सो यू कैन ज्वाइन दिस क्लास फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल लॉन्च पेड आई और वहाँ से आप लिंक ले सकते हो इसके अलावा भी करंट अफेयर्स की बहुत सारी क्लासेज इस चैनल पर हो रही हैं इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू मिस एनी ऑफ देम यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट सो so, शुरू करते हैं डिस्कशन फॉर टुडेज न्यूज पेपर वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज फ्रॉम स्टोरी पेपर सो पहली थी कन्वर्जन को लेके सो इंडिया के अंदर काफी महीनों से काफी सालों से ये चर्चा चल रही है हमारे कोर्ट्स के अंदर जिसमें बात की जाती है कि जो कन्वर्जन है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए रिलीजियस कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना हो अब ज्यादातर जो इंडियंस हैं हु आर टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम राइट अगर हम एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की बात करें सो so, अगर हमारे इंसेस्टर्स को ये फ्रीडम ना होती कन्वर्जन की तो आज बहुत सारे रिलीजन्स में जो लोग हैं वो हिंदू ही होते सो इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट कि आप आज एक भगवान में मानते हो लेकिन किसी कारण से आप दूसरे भगवान या किसी और यू नो इट कैन बी भासो वॉट एवर गिव्स यू स्पिरिचुअल पीस ऑफ माइंड यू आर फ्री एंड यू शुड बी फ्री टू गो देर बट क्या एलियोरमेंट लालच इसके इस्तेमाल के साथ हुई जो कन्वर्जन है रिलीजन की क्या वो सही है फॉर इंस्टेंस द पुअर फैमिलीज इन इंडिया दे आर नॉट हैविंग एनफ फूड तो अगर कोई उनको आके कहे कि हम आपको खाना देंगे लेकिन आप अपना धर्म परिवर्तन करवा लो तो जिसके बच्चे उनको खाना नहीं मिल रहा शायद वो इस वजह से अपनी आस्था को छोड़ के सिर्फ ये दिखावा करे मजबूरी में या फिर सच में कन्वर्ट हो जाए सो अ डिस्कशन इन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस एम आर शाह ही सेट दैट सुप्रीम कोर्ट इज रेडी टू ऑफर अल्यूशन हम चाहते हैं कि इस दिशा में कोशिश हो कि जो डिसीटफुल धोखे से की गई कन्वर्जन हैं या फिर लॉरमेंट के बेसिस पे की गई जो कन्वर्जेंस uh, हैं उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए बिकॉज ये जो है इट इज अनएथिकल दैट इज अ बेसिक डिस्कशन इन द फ्रंट पेज टुडे और ये पटिशन डाली गई थी जिसमें ये कहा गया था कि बहुत सारी रिलीजियस कन्वर्जेंस जो हैं दे आर हैपनिंग इन अ वे दैट चैरिटी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बट द चैरिटी इट इज डन ओनली फॉर रिलीजियस कन्वर्जन दैट इज वन इशू है सो so बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बनते हैं उनमें जस्टिस एहर शाह ही वॉज लीडिंग एंड ही सेट दैट कन्वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंटेरली फेल्ट बिलीव दैट इज फाइन वो ठीक है अगर आप खुद से आपका बिलीफ है कि आपको धर्म चेंज करना है आपको किसी और फिलोसफी में इंटरेस्ट पैदा हो गया है दैट इज फाइन बट इफ यू डू नॉट हैव इंटरेस्ट बट यू आर डूइंग इट बिकॉज समबडडी इज एलियोरिंग यू दैट इज नॉट गुड राइट सो कोर्ट कॉल्ड दिस अ वेरी सीरियस इशू डिसम्बर ट्वेल्थ को इसके बारे में चर्चा होगी और डिटेल में तो क्योंकि ये न्यूज़ रिपोर्ट है आई होप यू कैन डिस्टिंग्विश बाय नाउ बिटवीन अ न्यूज़ रिपोर्ट एंड एन एडिटोरियल तो न्यूज़ रिपोर्ट्स को हम बहुत ज्यादा लंबी लंबी चर्चा में नहीं हमें पढ़ना चाहिए सो वॉट द गवर्नमेंट का वकील इज सेंग वॉट इज वट इज द अदर पार्टी सेंग इन द कोर्ट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज एडिटोरियल और कभी ना कभी इतनी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर एडिटोरियल आ ही जाएगा नाउ इट इज गोइंग टू बी अ बिग डिबेट जो ऑलरेडी चल रही है अब और तेजी से होगी बिकॉज बारह दिसंबर को इसकी हेयरिंग भी है और ऐसे लॉज जो हैं जो एंटी कन्वर्शन लॉज हैं यू विल सी दीज इन न्यूज पेपर एंटी कन्वर्शन लॉज काफी सारे इंडिया के स्टेट्स दे आर ऑलरेडी पासिंग काफी सारे स्टेट्स ने पास कर दिया है कुछ लॉज को सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल भी मिल गया है दैट दे आर फाइन लेकिन कुछ लॉस की कुछ प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है फॉर इंस्टेंस आज ही हमारा एक एडिटोरियल इट इज रिलेटेड टू द सेम इशू नाउ द एडिटर ऑफ द न्यूज पेपर ही इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट सुप्रीम कोर्ट गेटिंग इन टू दीज इशू सुप्रीम कोर्ट का इस चीज के अंदर इंडल्ज होना कि वो फोर्सबल कन्वर्जन की पिटिशंस जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पी आई एल्स लगाई जा रही हैं उनको एंटरटेन भी कर रहे हैं राइट सो दैट इज अदर व्यू दैट दिस सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टिंग सॉर्ट ऑफ देयर टाइम ऑन टॉकिंग अबाउट दिस फोर्सबल रिलीजियस कन्वर्जन्स तो ये सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के वैल्यूएबल टाइम की वेस्टेज है पीआईएल को एंटरटेन किया गया तो मिस्टर उपाध्याय एक व्यक्ति हैं वकील हैं उन्होंने ये पिटिशन डाली थी कि बहुत सारी देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर कन्वर्जन्स हो रही हैं बाय चैरिटी बाय एलियोरमेंट लालच दिया जा रहा है और इसको रोकना चाहिए एज आई टोल्ड यू डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी लॉज पास कर रखे हैं कन्वर्जन को रोकने के लिए तो गुजरात सरकार का भी ऐसा ही एक लॉ था जिसकी किसी एक प्रोविजन के ऊपर कोर्ट्स ने स्टे लगा रखा था सो गुजरात सरकार ने भी मौका देखते हुए उन्होंने भी दोबारा से दे आर ट्राइंग कि उनका जो स्टे लगा है कुछ प्रोविजन के ऊपर इन देयर एंटी कन्वर्जन लॉ जिसमें प्रोविजन क्या थी कि अगर आप कन्वर्जन करवा रहे हैं चेंजिंग योर रिलीजन तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम जो जिले का अधिकारी होता है आई एस ऑफिसर उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी राइट नाउ द गुजरात हाईकोर्ट उन्होंने किस कारण से इस सेक्शन फाइव जो गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का सेक्शन था जिसमें डीएमसी अप्रूवल वॉज इंपॉर्टेंट इसको स्टे इसलिए लगाया था बिकॉज रिलीजन जो है वो आपका एक प्राइवेट मामला है इट इज योर पर्सनल इशू इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू शेयर दिस विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है सो so आपको कोई फोर्स करे दैट इज नॉट गुड और स्पेसिफिकली यहां पर जो ये प्रोविजन थी इस इस लॉ की गुजरात के इस लॉ की फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट तो नाम तो जो मर्जी रख दो असल में कंटेंट चाहे उससे ऑपोजिट हो तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से नहीं शेयर करना चाहते कि आप धर्म क्यों छोड़ रहे हैं या आप छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, क्या आप, आप नास्तिक हो रहे हैं यू शुड नॉट बी फोर्स्ड एंड इसके साथ ही यहां पर एक और भी प्रोविजन थी डेट अगर एक इंटरफेथ मैरिज हो रही है तो उसके लिए भी आपको डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी राइट सो इट द बिलीव बिहाइंड दिस लॉ दिस प्रोविजन कि जो इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं तो वो शादियां होती ही इसलिए हैं क्योंकि एक व्यक्ति खासकर जो मेल पार्टनर है वो किसी भोली भाली लड़की को फंसाता है ताकि उसका धर्म चेंज करवा सके एंड ओनली फॉर दिस रीजन जो पूरा का पूरा कन्वर्जन जो है वो शादी जो है वो करवाई जाती है एंड ऑल्सो सम पीपल हैव नेम्ड दिस लव जिहाद द मेल पार्टनर इज मुस्लिम एंड द फीमेल इज हिंदू तो इसको लव जिहाद का भी नाम कुछ लोगों ने दिया है राइट तो यहां पे आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी कॉशियस हर जगह पे यू विल फाइंड इफ एनी कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कि मैरिजेस दे आर हैपनिंग ओनली फॉर कन्वर्जन राइट सो बिकॉज देर इज अ देर इज अ प्रोविजन ऑफ प्रायर परमिशन शादी करने से पहले आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी तो आपकी फ्रीडम के ये खिलाफ है एंड यू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल तो आपकी कॉन्शियंस क्या है आपको ये बताने की जरूरत पड़ जाए तो ये आपकी राइट टू प्रिवेसी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इस सबको वायलेट करता है दैट इज वन पर्सपेक्टिव राइट एंड वी आर नॉट गिविंग एनी ओपिनियंस ये सिर्फ कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं एक साइड इज सेइंग कि बहुत बड़े लेवल पर ऐसी कन्वर्जन हो रही हैं उनको रोका जाए फ्रॉडलैंड कन्वर्जन दूसरी साइड इज सेइंग कि आप राइट टू प्रेवेसी ब्रीच नहीं कर सकते अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो राइट <coughs> right? इश्यू है तो दो मामले यहां पर इंटर टवाइन हो गए एक दूसरे के साथ इंटेंगल हो गए एक तो सुप्रीम कोर्ट का पिटिशन को एक्सेप्ट करना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक्सेप्ट करना दैट एंटी कन्वर्जन इज हैिंग एंड सुप्रीम कोर्ट का ऑफर करना दैट वी वॉन्ट टू ऑफर ए सोल्यूशन सेकेंड इज गुजरात गवर्नमेंट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है उसकी प्रोविजन उसका दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करनी जिसमें डीएम की परमिशन वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर यू आर चेंजिंग रिलीजन स्पेसिफिकली फॉर द इंटरफेथ मैरिजिज अब ऑलरेडी इंटरफेथ मैरिज जो हैं उसमें सोसाइटल प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ती हैं ऑनर किलिंग इज अनादर इशू जिसमें कपल जो है उसकी जान को भी खतरा होता है और स्टेट उसको सक्सेसफुली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही आज के ज़माने में सो so, डी देर आर लॉर्ड ऑफ प्रॉब्लम एक और प्रोविजन एड हो जाएगी तो जो इंटरफेथ कपल होगा वो और ज्यादा ट्रबल्ड हो जाएगा सो इफ टू यू नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन दे वॉन्ट टू मैरी देअर लाइफ इज ऑलरेडी इन डेंजर इन कंट्रीज लाइक इंडिया तो और ज्यादा प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है सो so, इसका सोसाइटल आस्पेक्ट भी होगा हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर और चर्चा होगी और एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे और जरूर उसमें यह एस्पेक्ट भी आप देखोगे जिसमें यह बताया जाएगा कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी कपल्स के लिए बढ़ सकती हैं वेन यू आर मेकिंग दिस दिस प्रोसीजर ऑफ इंटरफेज मोर कम्पलेक्स राइट सो दैट इज अनदर रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द कपल्स इज इज फाइन सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोंग नाउ आई वुड लाइक टू सी थम्स अपर यू कैन रेज यूर हैंड सो दैट आई कैन सी हु इज अटेंडिंग द क्लास स्टूडी एंड हुआ सो so, आगे चलते हैं जी सेकंड न्यूज अभी हमने फ्रंट पेज ही डिस्कस वी आर वी आर डिस्कसिंग द फ्रंट पेज दिस वाज अ फ्रंट पेज न्यूज बट अ रिलेटेड एडिटोरियल वाज ऑन द एडिटोरियल पेज नाउ दिस इज द फ्रंट पेज न्यूज बैक टू द फ्रंट पेज एंड वी आर डिस्कसिंग द दिल्ली एडिशन है सम ऑफ यू इफ यू आर हैविंग सम अदर एडिशन तो आज जो न्यूज की अलाइनमेंट है और डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट है राइट right? लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये न्यूज मिल जाएंगे राइट सो यू नीड नॉट वरी सो इंडिया एंड जर्मनी क्विकली इस न्यूज रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं इंडिया जर्मनी रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंडिया और ईयू रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है नो वॉट इज हेयर इंडिया जर्मनी द इंक माइग्रेशन एग्रीमेंट तो इंडियंस दे केन इजिली ट्रेवल टू जर्मनी जर्मन दे केन इजिल टू इंडिया फॉर ट्रैवल फॉर रिसर्च फॉर स्टडी फॉर वर्क दैट इज अ गुड थिंग इंडियंस वेरी कंट्री वी डोंट जॉब्स, तो हमें जॉब्स की जरूरत है तो हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा इट कैन बी जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजीलैंड एंड दीज आर कंट्रीज़ जिनके पास कैपिटल है पैसा है बट दे डोंट हैव यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन सो इट इज अन्चुएशन फॉर बहुत दंट्रीज तो ऐसे अग्रीमेंट आप देखो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी इंडिया साइन करता रहेगा फिर इस मीटिंग में जिसमें जर्मन फॉरन मिनिस्टर वो है सो so, इसमें डिस्कशन और किस बारे में हुई एक तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ दैट इज इज द द मेजर टेक अवे नाउ इट नॉट नॉट प्राइम मिनिस्टर्स एंड चांसलर दे आर मीटिंग तो हमारे हाइएस्ट ऑफिशियल्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं स्टिल वहां से कुछ ना कुछ निकला है पॉजिटिव दैट इज अ गुड थिंग नाउ अ फ्यू डेज बैक जर्मन फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने एक बयान दे दिया था कश्मीर के बारे में कि कश्मीर जो है उसका सोल्यूशन अगर निकालना है तो जर्मनी मीडिएशन का काम कर सकता है जर्मनी कैन बी अ इंडिया लाइक दिस थिंग अगर कोई ये रीजनल इशू है।, है एक बॉर्डर डिस्प्यूट है और पाकिस्तान हारा था उसके बाद हमने एक सिमला एग्रीमेंट साइन करवाया था पाकिस्तान से जिसमें लिखा गया था कि हम इंडिया पाकिस्तान की जो कश्मीर इशू है या फिर कोई भी और हैं, इशू हैली सो इन द लास्ट पैराग्राफ नाउ जर्मन उनको इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा इसके अलावा चाइना पे चर्चा हुई इसके अलावा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटी जो यूएस के लिए फ्रांस के लिए जर्मनी के लिए सब कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ चाइना ओनली अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर चर्चा हुई इंडिया ने कहा दैट वी आर रेडी टू सेट डाउन विद पाकिस्तान एंड हैव बायलेटरल टॉक्स टॉक्स बट एंड टेररिज्म कैन हैोट टूगेदर यह इंडिया की नई पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान की जब तक आप टेररिज्म बंद नहीं करोगे हम बातचीत शुरू नहीं करेंगे राइट देन देर इज अ स्मॉल इशू जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट बेबी अरिहा सो यू नो द जर्मन कंट्रीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स वेरी सीरियसली ऐसा बिलीव किया गया कि एक 22 महीने की बच्ची थी उसके साथ उसके पेरेंट्स ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उसको सरकार ने रख लिया राइट right? तो ये इशू बिकॉज इंडियन फैमिली है तो इंडियन गवर्नमेंट इज रेजिंग दैट यू नो फाइंड आउट अ आउटन फॉर दिस नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब आते हैं इस इस रिपोर्ट के इनिशियल एरियाज जो ऑलरेडी हो चुके हैं डिस्कस इन डिफरेंट कन्वर्सेशन सारा का सारा यूरोप इंडिया से एक ही सवाल पूछता है कि आप रशिया से तेल लेना बंद कब करोगे एंड इनफैक्ट आपने तो रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो इंडिया ने ऑयल लेना रशियन ऑयल लेना इंक्रीज कर दिया नाउ दिस इज वॉट द जर्नलिस्ट फ्रॉम द वेस्ट दे कीप आस्किंग इंडिया एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो आपको यहां पर इमेज में भी देख रहे हैं एस जयशंकर ही इज ऑलवेज देयर विद सम डाटा जिसमें वो बताते हैं थिंग्स लाइक इंडियाज कंजम्पशन ऑफ रशियन ऑयल इज जस्ट वन सिक्स ऑफ द यूरोपियन कंजम्पन एंड यूरोप इज प्रेशराइजिंग इंडिया कि अपना तेल कामशेद बंद करो इसी बात पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जब स्टार्टिंग में यूक्रेन रशिया वॉर के ये इंडिया को क्वेश्चन किया जाता था कि आप तेल क्यों खरीद रहे हैं रशिया से so तब भी उन्होंने यही बात भूली थी दैट यू नो इन एंड आफ्टरनून एक दोपहरी तक आप इतना तेल खरीद लेते हो जितना हम कई महीनों में नहीं खरीदते एंड ही ऑल्सो सेट दैट यूरोप शुड कम आउट ऑफ दिस माइंड सेट ट यूरप्स प्रॉब्लम दे आर वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप प्रॉब्लम तो यूरोप के जो प्रॉब्लम है वो सारी दुनिया की प्रॉब्लम होनी चाहिए उसके लिए सारी दुनिया मिलकर काम करे और जो दुनिया के बाकी हिस्सों की प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे यूरोप को कोई लेना देना नहीं हि वॉज रेफरिंग कि कुछ महीने पहले जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट हुआ था बॉर्डर पर गालवान वैली में कुछ सैनिक मर भी गए थे तब यूरोप ने क्या किया था तो इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट है दैट इज नॉट यूरोप इशू बट यूरोप का इशू जो है दैट इज इंडियाज इशू इसके लिए इंडिया को भी स्ट्रगल करना चाहिए चाहे महंगा तेल मिले तेल ना मिले इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रॉब्लम आए लेकिन यूरोप के जो फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है उसको फॉलो करना चाहिए तो ये दोबारा से ये बात कही दैट इंडियाज ऑयल कंजशन इज जस्ट वन सिक्स एंड देन ऑयल प्राइस कैप जो हमने कल के न्यूज में भी डिस्कस किया था कि G7 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन ऑस्ट्रेलिया इन सब कंट्रीज ने एक ऑयल प्राइस कैप लगाया है कि रशिया जो है वो तेल सिर्फ 60 डॉलर या उससे कम में ही बेचेगा अब रशिया इनकी बात क्यों मानेगा बिकॉज ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं दे सेट कि अगर कोई 61 या उससे ज्यादा में तेल खरीदेगा रशिया से तो हम उनको शिपिंग सर्विसेज और इंश्योरेंस सर्विसेज जो ज्यादातर यूरोपियन कंपनीज प्रोवाइड करती हैं वेस्टर्न कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं तो हम ये प्रोवाइड करना बंद कर देंगे आपको राइट right? अब ये बाकी कंट्रीज कितना मानती हैं बाकी कंट्रीज क्या ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाएंगी इंश्योरेंस सर्विसेज का या शिपिंग सर्विसेज का रशिया तो डेफिनेटली नहीं मानने वाला इसको तो ये आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो इंडिया जर्मनी की इस मीटिंग में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में बात हुई वेरी इंपॉर्टेंट वन तो इसको कोई रीडिंग आपने देनी है नेक्स्ट बात करते हैं नाउ दिस इज फ्रंट पेज इन द दिल्ली एडिशन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को वॉर्न किया है दैट यू आर अ बॉर्डर स्टेट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी यू नीड टू डू समथिंग क्विकली अबाउट द स्परियस लीकर दैट मीन नकली शराब एंड ड्रग्स तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात की कि ड्रग्स जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी को खत्म कर देंगे बिकॉज वो पंजाब बॉर्डर स्टेट के यूथ को खत्म कर देंगे और अब एक और प्रॉब्लम है दैट इज नकली शराब से काफी लोग मर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी एफ दर्ज की हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफ से क्या होता है चार्जशीट कब दर्ज करोगे राइट सो रियल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द बिग फिशेस दैट इज वॉट सुप्रीम कोर्ट साइड इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर की भी एक न्यूज रिपोर्ट आपको दिखेगी नॉट हेयर बट समवेर एल्स यू कैन ऑल्सो गिव अ क्विक रीडिंग उसमें भी कुछ ज्यादा बड़ी डिस्कशन नहीं है इशू बेस्ड लेकिन एक न्यूज रिपोर्ट है फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा कि छोटी मछली को पकड़ने के बजाय जो बड़े प्लेयर्स हैं हु आर ब्रिंगिंग कोकेन इन टू द कंट्री स्मगलिंग ड्रग्स इन द कंट्री उनको पकड़ा जाना चाहिए अदरवाइज ये देश की नेशनल सिक्योरिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए खतरा है राइट right? सो so, ये कुछ बातें यहां पर हुई यू नीड नॉट रीड दिस कंप्लीटली सो दिस इज अगेन एज आई से कि इतनी सारी कन्वर्सेशन कि वकील ने क्या कहा जज ने क्या कहा वकील ने क्या कहा तो इनकी कन्वर्सेशन सुन के बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा राइट ठीक है जी सो so, आगे चलते हैं अ केस फॉर चेंज सो नथिंग न्यू इफ यू हैव रेड न्यूज पेपर ये तो होता क्या है कि अगर आप न्यूज पेपर रेगुलरली पढ़ते हो बेनिफिट इज कि आपको न्यूज पेपर पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज यू कैन सेव अ लॉड ऑफ टाइम वेन रेपिटेशन है सम अप मैं क्विकली आपको यह सम कर दूंगा ताकि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो लेकिन अगर आपने पिछले न्यूज पेपर पिछले दो तीन दिन, दो दिन से पढ़े हैं तो यू कैन अवॉइड दिस सो अगेन जो अटर्नी जनरल थे ईरान के जो सबसे सीनियर मोस्ट वकील थे उन्होंने कहा था कि जो हिजाब है उसको बंद कर दिया गया है मोरालिटी पुलिस को बंद कर दिया गया है बट गवर्नमेंट ऑफ ईरान उन्होंने ना इस चीज को इग्नोलेज किया ना इस चीज को खारिज किया नाउ व्हाट इज अटेटस नो बडी इज क्लियर एंड वुमेन ऑफ ईरान दे आर सेइंग कि इससे हमारे राइट्स थोड़ी बढ़ जाएंगे कि अगर मोरालिटी पुलिस सिर्फ बंद कर दी है तो उससे क्या जो ड्रेसिंग लॉज हैं जो बाकी कंज़र्वेटिव लॉस हैं क्या वो खत्म हो जाएंगे न कुछ यहां पर ईरान की पॉलिटिक्स की बात की गई है अगेन एज वी डिस्कस 1979 जो रेवोल्यूशन था 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद फंडामेंटलिस्ट जो फंडामेंटल धर्म में कट्टरवाद कट्टरवाद में बिलीव करने वाले लोग हैं फंडामेंटलिस्ट दे आर वेरी डोमिनेटिंग इन ईरान पॉलिटिक्स सो so, या तो उन्हें रिफॉर्म करना चाहिए या फिर दे शुड बी रेडी फॉर सच रिएक्शन कुछ मॉडरेट्स हैं ईरान की पॉलिटिक्स में जो इतने ज्यादा फंडामेंटलिस्ट नहीं है उनको वीक रखा जाता है वो भी कभी कभी बीच में प्रेसिडेंट बन जाते हैं ईरान के लेकिन दे आर नॉट वेरी पावरफुल अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल रखा जाए तो वो थोड़ी सी फंडामेंटलिज्म को टोन डाउन कर सकते हैं राइट सो दैट इज वॉट इज डिस्कस्ट है सो बडी श्योर कि क्या असल में ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म होगी मॉरैलिटी पुलिस भी असल में अबॉलिश होगी या नहीं इट इज नॉट वेरी क्लियर सो दिस इज द आर्टिकल अबाउट द सेम थिंग फ्रॉम लास्ट टू डेज तो इसमें कुछ नया आपको ज्यादा नहीं मिलेगा राइट इफ यू वॉन्ट टू इफ यू आर फुल टाइम एस्पिरेंट यू आर नॉट डूइंग जॉब और एनीथिंग एल्स तो आप एक रीडिंग दे सकते होन दल पेज विच आई विड नॉट रिकमेंड क्योंकि कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक में फूड एक्सपेंडिचर और सोशलाइजिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर जो था उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इसके ऊपर एक पूरा का पूरा आर्टिकल है कि कैसे फूड एक्सपेंडिचर कम हुआ ज्यादा हुआ सोशलाइजिंग का एक्सपेंडिचर लाइक यू नो पीपल गो आउट टू गेट एंटरटेन उसके ऊपर एक्सपेंडिचर क्या हुआ कम हुआ या ज्यादा हुआ उसके क्या फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से लोग अपना सोशलाइजेशन का एक्सपेंडिचर कम करते हैं या बढ़ाते हैं लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है दैट एस समेर एंगल्स लॉ इज मैं एंगल्स लॉ तो ये आपके इकॉनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट uh, एक टॉपिक है नॉट अ वेरी बिग वन द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड इकोनॉमी क्लास इन द मॉर्निंग टुडे इन द बैच आज ही टुडे मॉर्निंग आई वाज टेलिंग यू दैट एज इनकम ऑफ द हाउस इट ग्रोज तो जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दैट हाउस ऑन फूड वो कम होता जाता है वेरी लॉजिकल सो अगर एक गरीब घर है उसकी कमाई ही हजार रुपए है सौ रुपए लग जाएगी उसको खाने में अब ये अगर इनकम इंक्रीज होती जाएगी इट बिकम्स टेन थाउजेंड तो वो सौ का दो सौ खा लेंगे दो हजार खा लेंगे परसेंटेज टर्म्स में इससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं होगा सो दैट इज दर्न एंगल सो एंगल अ जर्मन स्टेटिस्टिशियन इन्होंने 1857 में थ्योरी दी थी. उस होल्ड इनकम राइट अपने घर के बारे में भी सोचोगे विल फाइंड द सेम लॉजिक वाइल द परसेंटेज स्पेंट ऑन अदर थिंग्स एजुकेशन रिक्रिएशन हेल्थ केयर ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी राइज करेगी राइट right? इसका एक कारण यह है कि अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ फूड आप कितना ही कंज्यूम कर लोगे कितना ही इंप्रूव कर लोगे उसके ऊपर एक्सपेंडिचर एक हद से ज्यादा नहीं होगा तो आफ्टर योर इनकम इज राइजिंग यूल स्टार्ट स्पेंडिंग एलोकेटिंग दैट इनकम ऑन अदर थिंग्स राइट सो दैट इज एंगल्स लॉ इसके अलावा यू शुड बी अवॉइडिंग दिस नो बेनिफिट ऑफ रीडिंग सच ए लॉन्ग आर्टिकल तो बहुत अच्छा आर्टिकल नहीं है राइट right? आगे चलते हैं दिस आर्टिकल सो इफ यू आर एन ओल्ड एस्पेंट आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में ये सब कुछ सुन रखा है नेशनली डिटर्मेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट जस्टिस विच इज मैंशन हेयर एज वेल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इंटरगमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सी क्या चीज होती है डेवलपिंग डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में क्या कुछ फाइनेंसेस को लेके टेक्नोलॉजी को लेके डिस्प्यूट्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं कि जो टोटल इमिशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाई जाएं। डेवलप्ड कंट्रीज से दस एंड डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं कि पर कैपिटल इमिशन के हिसाब से किया जाए और इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स एन दिस आर्टिकल इज जस्ट ए रेपिटेशन फॉर यू अरवाइज इफ यूर अस्पट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज सो दूर इज कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने ग्लोबली हिस्टोरिकली ज्यादा की हैं बिकॉज वो पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी एंड एज अ रिजल्ट एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहले फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने स्टार्ट किए एंड एक्यूमिलेटेड टोटल आज तक की कार्बन इमिशंस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की बात करें तो ज्यादा किसने की है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने की है बट नाउ द प्रेराइज कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है कि आप कोल यूज करना बंद कर दो आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना बंद कर दो सो दिस कैन नॉट बी हैपनिंग बिकॉज अगर आज भी पर कैपिटा इनकम की बात की जाए पर कैपिटा इमिशंस की बात की जाए तो वो वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत ज्यादा है दैट मीन उनके लाइफ ऐसे हैं दैट पर पर्सन इन वेस्टर्न कंट्री वो ज्यादा कार्बन एमिट करता है उसके लाइफ स्टाइल ऐसे है राइट सो द पर्सन राइटिंग मुकुल इज अ यूनाइटेड नेशन डिप्लोमैट क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट एंड इज राइटिंग इन फेवर ऑफ इंडिया दैट इन द इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इन सब इश्यूज को इग्नोर ही कर देती हैं राइट सो देर आर थ्री प्रॉब्लम दैट ही हैज आइडेंटिफाइड विद द करंट नेगोसिएशन प्रोसेस जितनी भी ये इंटरनेशनल मीटिंग्स uh, होती हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट लॉ को लेके, जिसकी सबकी कोशिश क्या है टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एज डिसाइडेड एट द 2015 पेरिस क्लाइमेट डी सो द फर्स्ट इशू इज दैट सिटीजन इन द डेवलप्ड कंट्रीज दे आर नॉट इवन अवेयर

स्टॉप कंज्यूमिंग और रिड्यूज द कंजशन ऑफ दिस काइंड ऑफ मीट एंड दे स्टार्ट कंज्यूमिंग पोल्ट्री विच इज नॉट रेड मीट तो ही उनकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत कम हो जाएगी राइट जस्ट एन एग्जाम्पल सेकेंड इश्यू इज दैट दिस प्रोसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज नेगोसिएशन इट इग्नोर द ग्लोबल वेल बीइंग की डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी अर्बनाइज हो चुकी हैं और अभी डेवलपिंग कंट्रीज को ऑर्बनाइज होना है तो उनकी इमिशन तो बढ़ेगी बिकॉज दे नीड इंफ्रास्ट्रक्चर दे नीड सीमेंट स्टील एनर्जी अदरवाइज वॉट द डेवलप्ड वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग अस टू डू तो वो चाहते हैं कि हम अपने गरीबों के लिए कुछ करें ना हम अर्बनाइज ना हो वी डू नॉट एक्सेलरेट आर इकोनॉमिक ग्रोथ टू जनरेट जॉब्स बिकॉज ऑफ वी लीव वी स्टॉप यूजिंग कोल टूडे तो हमारे पास तो बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा वी विल नॉट हैव एनफ पावर फॉर एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्री फॉर हाउसहोल्ड्स सो दैट इज अ थर्ड थिंग थर्ड कंसर्न इज दैट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट एंड स्टील इज नीडेड इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड वी आर द लेट अर्बनाइजर्स सो वो पहले अर्बनाइज हो गए एट दे हैव डन मोर एक्युमुलेटेड एमिशनस लेकिन वो हिस्ट्री को इग्नोर करते हुए सिर्फ देखना चाहते हैं कि आज कौन ज्यादा एमिशन कर रहा है सो दैट इज नॉट पॉसिबल सो प्रॉब्लम विच इज हैविंग अ हिस्टोरिकल कॉज एंड इज स्टिल गोइंग ऑन ऐसी एक प्रॉब्लम को आप सिर्फ इस साल पिछले साल के मुकाबले आ, उसको देख के आप पॉलिसी मेकिंग होगी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते राइट सो ही इज राइटिंग अगेन दैट इट इज पॉलिटिक्स एंड नॉट साइंस दैट ड्राइव दीज नेगोसिएशन तो यहां पर पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि अगर साइंस के हिसाब से देखें तो आज भी इंडिया चाइना एफ्रीकन कंट्रीज एशियन कंट्रीज इनकी जो लाइफ स्टाइल्स हैं दे आर वेरी सिंपल एंड दैट इज वाई इंडिया ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट ये इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए था कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही हिमसिल्फ लॉन्च दिस लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव इट यू वेन्न टू द डेवलप्ड कंट्रीज की अपने सिटीजन की लाइफ स्टाइल को इस तरीके से बनाओ जैसा हमारा है विच इज सस्टेनेबल फॉर द इनवायरमेंट देन द राइटर इज ऑल्सो राइटिंग अबाउट डिफरेंशिएटेड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स इसका अर्थ क्या है फॉर द न्यू रीडर्स दैट हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हैं, बिकॉज यू हैव पोल्यूटेड मोर यू हैव एमिटेड मोर यू आर इंडस्ट्रियलाइज्ड, यू आर वेस्टर्नाइज्ड, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस देन ही इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट जस्टिस तो क्लाइमेट जस्टिस क्या होगी क्लाइमेट जस्टिस होगी कि जिसने ज्यादा एमिशन किया है वो उसको कुछ पैसे दे टेक्नोलॉजी दे फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी जो ज्यादा सफर करेगा लेकिन उसने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया प्रॉब्लम को तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले यूरोप और अमेरिका ने की दे कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर टू द प्रॉब्लम बट जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट होंगे वो सबको ही बेयर करने पड़ेंगे सो वी एंड स्पेशली द स्मॉलर आइलैंड कंट्रीज द कोस्टल कंट्रीज द पुअर अफ्रीकन कंट्रीज इनके पास पैसा भी नहीं है आने वाले समय में साइक्लोन्स ज्यादा आएंगे बरसातें ज्यादा आएंगी कम पीरियड में ज्यादा बारिश हो जाएगी फ्लड्स आएंगे ड्रॉट्स आएंगे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज

स ऑफ पार्टीज मीटिंग हुई थी उसमें लॉस एंड बनाया गया था कैसे काम करेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट यू फाइंड है डेवलप्ड कंट्रीज देर शेयर देर शेयर इन ट्वेंटी थर्टी फाइव थर्टी परसेंट सो वन सिक्स पॉपुलेशन का शेयर कितना होगा थर्टी परसेंट और एशिया जो करीब करीब फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन होगी उसका शेयर कितना होगा फोर्टी परसेंट सो हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज वेरी क्लियरली दी वेरी फ्यू पीपल डूइंग अ लॉर्ड ऑफ एमिशन राइट सो दीज आर सम इशूज दैट आर इन डिस्कशन वंस यू रीड दिस आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज इसके बाद रेपुटेशन स्टार्ट हो जाएगी दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच विल बी गोइंग ऑन मल्टीपल टाइम्स एंड यू हैव नॉट कवर्ड एनवायरमेंट एनवायरमेंट में जब आप बेसिक्स कर लोगे उसमें आप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ोगे आप अर्थ समिट के बारे में पढ़ोगे तो ये चीज़ें और ईजी हो जाएंगी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन यू आर गोइंग टू रीड सो उसके बाद की डिस्कशन जो है वो सेम ही रहेगी एंड एवरी ईयर दे विल भी सम मीटिंग एंड डिस्कशन इज गोइंग टू बी सेम इससे जुड़ा एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए जो आपको नोट भी कर लेना चाहिए अपनी फैक्ट शीट में जो हम बनाते हैं फॉर गुड आंसर राइटिंग बाय 2022 ट्वेंटी टू इंडिया प्रोजेक्टेड रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इट वॉज एक्सपेक्टेडी फाइव पॉइंट नाइन परसेंट और दो हजार सैंतालीस तक अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ इंडियंस आर गोइंग टू बी अर्बनाइज इन सिटीज सो जितनी अर्बनाइजेशन बढ़ेगी उतना मिशन बढ़ेगा सो वी वॉन्ट टू ट्रांजिशन टू द ग्रीनर टेक्नोलॉजी तो इसको बोलते हैं ग्रीन ट्रांजिशन ट्रांजिशन मतलब टू शिफ्ट फ्रॉम वट एवर वी आर डूंग नाउ टू अटर ऑल्टरनेटिव सो वी वॉन्ट टू गो टू इलेक्ट्रिक वेहीकल्स हम चाहते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग्स बने राइट ग्रीन बिल्डिंग्स का एक कंसेप्ट है इसकी सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट बॉडीज देती है वेस्ट जनरेशन फ्रॉम अ बिल्डिंग इज लेसर एफ द बिल्डिंग इट इज डिजाइंड इन सच ए मैनर लाइक नॉर्थ इंडिया में ग्लास बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, जिसमें गर्मी ज्यादा हो जाती है फिर इट एक्टाइज अ ग्रीन हाउस फिर एयर कंडीशनिंग ज्यादा करनी पड़ती है उससे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती है फिर और ज्यादा ए सी चलाना पड़ेगा तो ऐसी डिजाइनस नहीं होने चाहिए देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए जो बिल्डिंग्स हैं दे शुड बी कलेक्टिंग वाटर दैट शुड बी रिस्टोर अंडरग्राउंड राइट सो ऐसे कुछ स्टेप्स हम लेना चाहते हैं लेकिन इसमें लगता है पैसा इसमें लगती है टेक्नोलॉजी और पैसा और टेक्नोलॉजी पुअर कंट्रीज आर नॉट हैविंग सो द डेवलप्ड कंट्रीज शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट बिकॉज दे आर बिकॉजल फॉर दिस राइट सो दिस वॉज अ गुड आर्टिकल मूविंग ऑन टू नो यूनिफॉर्मिटी इन पेरोल एंड फरलो रूल्स सो इसमें द डिस्कशन हेयर इज कि फरलो या पेरोल ये कैसे दी जाती है फरलो एक चीज होती है यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन फॉर लो वट इज वाई इज दस गिवन कि जब भी आप अच्छा कंडक्ट करते हो वाइल बींग प्रेजनर इन द जेल तो आपको कुछ एज एन इंसेंटिव दिया जाता है पेरोल इज समथिंग कि आपका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड ही कर दिया गया कि आप जाओ जेल से बाहर राइट right? तो अभी गुरमीत राम रहीम हु इज अचुअल गुरु एलेजली ही क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी तो उसको 20 साल की सज़ा हुई है फॉर रेपिंग टू ऑफ हेज डिसाइपल्स मर्डर्स के भी चार्जेस हैं कैस्ट्रेशन के चार्जेस हैं सो बहुत सारे चार्जेस हैं इस व्यक्ति के ऊपर एंड ही आल्सो मेक्स मूवीज एंड सॉन्ग्स नॉट वेरी गुड वंस सो ही वाज इन द जेल उसको बार बार जो पेरोल दी जा रही है फोर्टी डे की पेरोल सो पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज वेन ही कम्स आउट ही अगेन ही स्टार्ट्स डूइंग द सेम थिंग्स तो अपने वो क्या होते हैं सत्संग वगैरह करने स्टार्ट कर देता है एंड द

प्रेजेंस दे आर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टेट जो है वो रूल्स बनाती है कि किसको किस हिसाब से फरलो मिलेगी किसको पेरोल मिलेगी देर इज अ प्रेजेंस एक्ट एटीन नाइन फोर एंड प्रिजनर्स एक्ट नाइन हंड्रेड अंडर दिस स्टेट्स आर हैविंग द पावर टू फॉर्म द रूल्स तो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनके अपने रूल्स हैं आई डोंट थिंक इट इज ऑफ एनी हेल्प की उत्तर प्रदेश के क्या रूल्स हैं हरियाणा के क्या रूल हैं आप याद तो नहीं करोगे इसको ना ही करना चाहिए ना ही जरूरी है वट इज तमिलनाड रूल वट इज महाराष्ट्र बेसिक पॉइंट ऑफ द फॉर्मर स्पेशल डी जी पी ऑफ छत्तीसगढ़ मिस्टर आर के वेज उनका बेसिक पॉइंट यह है कि सारे देश में डिफरेंट रूल्स हैं और इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सो दैट इज यहां से आप रीड कर लोगे दैट विल बी फाइन बिकॉज़ सम स्टेट इज संग बारह दिनों का पेरोल दे दिया जाएगा सम स्टेट इज संग तीस दिन का देना यूज़लेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो देर शुड बी यूनिफॉर्मिटी दैट इज वॉट इज लेकिन यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी लेकिन ये सेवंथ शेड्यूल uh, में है स्टेट लिस्ट में है सेवन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तो अगर हाफ ऑफ इंडियन स्टेट दे कम टूगेदर

हमने डिस्कस भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज ठहराया राइट आई गेट द लिंक सेंट अगेन ऑन लॉन्च पेट आई एस टूडे सो दैट इफ यू हैव नॉट सीन दैट प्लीज सी दैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट होल इशू राइट टेन परसेंट कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया है सो इट इज बीग इंप्लीमेंटेड सो नाउ दिस पर्सन सत्य नारायण

और क्वेश्चन यहां पर यह किया जाता है जब हम रिजर्वेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं क्या यह उन सेक्शन का भला कर रही है जिनको रिजर्वेशन मिली है यानी एससी एस टी ओबीसी द थिंग इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ कम्युनिटीज आर गेटिंग रिजर्वेशन मल्टीपल टाइम्स एंड एज अ रिजल्ट जो बाकी एससी कम्युनिटीज हैं एस टी कम्युनिटीज हैं ओबीसी जो अमंग द ओबीसी ज्यादा पिछड़ी हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पा रहा राइट right? एक और इससे रिलेटेड न्यूज थी फ्रंट पेज पर दैट डीएम के जो एक तमिलनाडु की रीजनल पार्टी है उन्होंने डाली है अगेंस्ट दिस टेन परसेंट कोटा तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इसके बारे में हो सकता है तब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला चेंज कर दे यू नेवर नो बट थिंग इज दैट वी नीड सम रिफॉर्म एंड रिजर्वेशन एंड द राइटर अकॉर्डिंग टू द राइटर इट इज जस्टिफाइड टू गिव टेन परसेंट कोटा टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्योंकि वो भी एक पिछड़ा ही तबका है समाज का और रिजर्वेशन में रिफॉर्म की जरूरत है सो दैट अमंग एस सी अमंग एस टी अमंग ओ बी सी जो कम्युनिटीज ऊपर हैं और जो नीचे हैं उनमें से जो नीचे कम्युनिटीज हैं उनको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए अदरवाइज रिजर्वेशन का जो गोल है कि समाज में समानता आए इक्वालिटेरियन सोसाइटी हम इस्टैब्लिश करें जिसमें सब बराबर हों ऐसा जो गोल है वो हमारा कभी भी पूरा नहीं होगा बिकॉज टूडे रेजर्वेशन इट एज बिकम जस्ट अ पोलिटिकल अ वोट बैंक थिंक फॉर द पॉलिटिशियंस तो जिनको मिल रही है वो ये नहीं सोचना पसंद करते कि अगर किसी और को दे दी जाए चाहे वो ऐसी ही हो उसका फायदा होगा दे जस्ट वॉन्टेड फॉर देमसेल्व एंड जो दे रहे हैं पॉलिटिशियंस उनके लिए बहुत ईजी टू गेट वोट बैंक ऑफ द होल कम्युनिटी जस्ट बाय प्लेइंग

then coming to one issue second issue and then giving the opinion right to bada acha ek essay writing ke liye bhi aapko ek cheez mil jayegi next coming to the text and context page to तो text and context page pe text and context page पे आते हैं तो यहां पर International लेबर Organization इसकी दो reports आई हैं these two reports they are giving some data and the whole article it is uh, a discussion on that so the data what is it saying the data is saying the same thing which has been discussed since pandemic to pandemic pandemic in the pandemic the wages either wages were dropped and a lot of people they lost their jobs so unemployment increased So, ये दो चीजें हुई थी ड्यूरिंग द पैंडमिक देन आफ्टर दैट यूक्रेन रशिया वॉर में यही चीजें हुई बिकॉज आफ्टर द यूक्रेन रशिया वॉर ग्लोबल रिसेशन स्टार्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज सप्लाई चेन डिस्टप्शन हो गई

स इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अगर आपने इकोनॉमी के बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा अदरवाइज सफर यू फाइंड आउट चैलेंजिंग सो आई यू रिपोर्ट ऑन वेजेस एट लुकड एट द रियल वेजेस एंड नॉमिनल वेजेस कैन यू टेल मी वॉट इज डिफरेंस बिटवीन रियल वेजेस नॉमिनल वेजेस डिस्पोजबल वेजेस सो देर आर थ्री कंसेप्ट दैट वी डू इन आर क्लासेस एज वेल टो आई एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स वो पार्ट ऑफ द लाइव बैचेस उनको तो ये पता होना ही चाहिए वट इज अल वेज एंड व्हाट इज द नॉमिनल वेज सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग द रियल वेजेस एंड नॉमिनल वेजेस वी गेट डिफरेंट डाटा एज पर द रिपोर्ट सो व्हेन वी आर गेटिंग द नॉमिनल वेज एंड वी एडजस्ट दैट विद इन्फ्लेशन सो इन्फ्लेशन के डाटा जो है उसको आप एक्सक्लूड कर देते हो यू गेट द रियल वेज फ्रॉम नॉमिनल वेज एंड वेन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो रियल वेज में इंक्रीज है ग्रोथ है दैट वॉज नेगेटिव नॉमिनल वेजेस इन इंडिया दे इंक्रीज टू 17,000 थाउजेंड पर मंथ इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन और दो हजार छ में इट वॉज ओनली अराउंड फोर्टी थ्री एट कैन यू सी द राइस लेकिन दिस इज अस ओनली इन द रियल वेज इन द नॉमिनल वेज सॉरी तो ये नॉमिनल वेज में राइस है दैट मीन्स इसमें इंफ्लेशन इज इंक्लूडेड ये महंगाई की परसेंटेज जो है उसको भी इंक्लूड करती है वेज जब आप निकाल देते हो इन्फ्लेशन को एंड यू गेट रियल वेजेस

वो कैसे राइज कर रही है बिकॉज जो स्किल्ड वर्कर्स हैं डू यू अंडरस्टैंड वट स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड वर्कर्स आर स्किल्ड दैट दे नो समथिंग दे हैव सम स्किल इट कैन बी एज सिंपल एज ड्राइविंग बींग एन इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग इट कैन बी डूइंग समथिंग विद विदफ्टवेयर आई टी सेक्टर में एप डेवलपर्स नॉन स्किल्ड वो व्यक्ति हैं जो मीनियल जॉब्स ही कर पाते हैं दे हैव जीरो स्किल लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड इज हैविंग नो स्किल ही ओनली स्टैंड देयर Right. So, what has happened? Inequality is rising because after the pandemic and after the Ukraine-Russia war, the skilled workers have, their jobs, rebounded. Rebound. Ho gayi. Unki wages bhi rebound. Ho gayi. But the unskilled workers the, they are suffering more. Their wages are not increasing. Jobs are not increasing. So that is what is happening in the world as well as in India. Right. And that is the future as well. स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इंटेंसिव जॉब जो है और इनकम्स जो है दे आर गोइंग टू राइज इफ पीपल आर नॉट है वेरी टफ लाइफ इन फ्यूचर बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन टू वर्ल्ड टू बी अड ऑफ रॉबर्टिक्स राइट तो रॉबोर्टिक्स जो है वो बहुत सारी जॉब को रिप्लेस करता है लेकिन नई जॉब्स पैदा भी होती हैं तो जो व्यक्ति रॉबोर्टिक्स में काम कर पाएंगे उनकी जॉब्स तो हो पैदा होंगी बट ऑल अदर पीपल जहां पे भी रॉबर्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा उनकी जॉब चली जाएंगे चाय की एक चेन है छोटा एक, एक चाय का पार्लर है सो so यहाँ पे द टी जो चाय बनाई जाती है द फाउंड एज पर दी एटी थाउजेंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टी दैन बी मेड इक यू नो यू लाइक मोर मिल्क लेस मिल्क ज्यादा पत्ती कम पत्नी तो अस्सी हजार डिफरेंट तरह की चाय बनाई जा सकती है लेकिन चाय जो बनाते हैं दे आर ऑल रॉबर्ट नो बडी इज नो ह्यूमन बींग इज मेकिंग टी हेर दैट इज वॉट इज है is, no is is right? so, कि कितने लोगों की नौकरी चली गई लेकिन कितने लोगों को नौकरी मिल भी गई बिकॉज अब यहां पर चाय जो है वो बिना इंटरनेट के नहीं बनेगी फॉर इंटरनेट यू नीड बेटर इंटरनेट तो फाइव जी इंस्टॉलेशन होगी फाइव जी इंस्टॉलेशन होगी बहुत सारे लोग आजकल रिलायंस एयरटेल के लिए वी के लिए देव जी इंस्टॉलेशन द टेक्नोलॉजी तो ऑलमोस्ट हर हंड्रेड मीटर्स पे आपको एक बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ता है तो बहुत सारी नौकरियां पैदा होगी फाइव जी सेक्टर की वजह से सो so कहा जाता है कि जब एक नई जॉब आती है तो नौकरिया डिस्ट्रॉय नहीं होती वो रिप्लेस हो जाती है और रिप्लेस कैसी होती है वो अब हम जो ट्रेंड देख रहे हैं स्किल्ड जो लोग हैं उनकी इनकम्स बढ़ेंगी उनकी जॉब्स बढ़ेंगी लेकिन अनस्किल्ड लोग जो हैं उनकी जॉब्स और इनकम्स कम हो जाएंगी एज रिजल्ट इन इक्वालिटी बढ़ रही है और वो आने वाले समय में बढ़ती जाएगी तो इसके सोल्यूशन क्या होने चाहिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्किल डेवलपमेंट करे लाइक वी आर ऑल्सो हैविंग अ मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स इन इंडिया वो भी स्किल डेवलपमेंट का काम करती हैं स्किल करना लोगों को रीस्किल करना नए स्किल्स सिखाना अप स्किल करना बेटर स्किल्स सिखाना यह एक कांस्टेंट प्रोसीजर होना चाहिए इकोनमी में ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छा रखने के लिए देन इट इज आल्सो डिस्कस्ड कि यू you नो know, कुछ रेमेडीज आई भी सजेस्ट करता है अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कि क्या होना चाहिए कि जो बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए वो इंप्रूव होनी चाहिए दैट मीन्स कि जो लेबरर्स अपनी वेजेस इंक्रीज करवाएंगे दैट शुड बी that दैट शुड बी इन with विद इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन ताकि उनकी जो रियल वेज है वो इंक्रीज हो क्योंकि अगर real वेजेस इंक्रीज नहीं होती है inflation ज्यादा तेजी से बढ़ रही है लेकिन वेजेस कम तेजी से बढ़ रही है तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम यानी टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो खर्च करने के लिए इनकम रह जाएगी वो बहुत कम होगी एंड व्हेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज नॉट हैविंग डिस्पोजिबल इनकम और ग्लोबल पॉपुलेशन इज नॉट हैविंग इनकम तो वो जाके डिमांड नहीं करेंगे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएगी तो जॉब्स कम हो जाएंगी और एक विश्वस साइकिल बन जाएगा इकोनॉमी का राइट right? तो इनइक्वेलिटी बहुत ज्यादा जब होगी तो सपोज एटी परसेंट ऑफ पीपल आर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी बट ट्वेंटी परसेंट ऑफ पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एटी परसेंट के पास ट्वेंटी परसेंट वेल्थ है ट्वेंटी परसेंट के पास एटी परसेंट वेल्थ है तो ये ज्यादा चीजें डिमांड नहीं कर पाएंगे और ये 20 लोग जितना भी डिमांड कर ले इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड को एक हद से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते तो इनइक्वालिटी ऐसा एक सैनारियो पैदा कर देती है जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खतरा है राइट right? सो so, जो फ्यूचर में वेज हाइक होगा दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद इन्फ्लेशन लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक वेज इन्फ्लेशन स्पायरल पैदा हो जाए सो एन अदर कंसेप्ट सो इफ यू हैव नॉट हैंडरस्टैंड नॉमिनल वेजेस इफ यू हैव नॉट डन इंडियन इकोनॉमी चैलेंजिंग वेज इन्फ्लेशन स्पायरल भी हम इकोनॉमी के बेसिक्स में पढ़ते हैं यू मस्ट हैव रेड इफ यू डन है फ्रॉम समवेयर सो वेज इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा जाके आप ज्यादा सामान खरीदोगे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी डिमांड इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन हो जाती है सो so अब दोबारा से इन्फ्लेशन हो गई है यू विल गो टू योर बॉस यू विल से कि मेरी वेजेस को और इंक्रीज कर दो सर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है सर और मैम सो सो महंगाई बहुत हो गई है योर बॉस इज गोइंग टू से दैट राइट महंगाई तो हो गई है तो अकॉर्डिंगली आपकी फिर से वेज इंक्रीज कर दी जाएगी आपकी वेज फिर से इंक्रीज हो गई तो आप जाके फिर से खरीदोगे खरीदोगे तो डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ये एक वेज इन्फ्लेशन स्पाइरल भी पैदा नहीं होना चाहिए तो अगर बहुत ज्यादा वेजेस इंक्रीज कर दी जाएंगी सो दिस माइट हैपन राइट सो दैट इज वॉट दे आर राइटिंग है दैट इसको अवॉइड करते हुए वेजेस को इतना तो इंक्रीज किया जाए कि इन रियल टर्म्स सैलरीज लोगों की इंक्रीज हो जो आपने देखा दो के मुकाबले 2021 तक नेगेटिव ग्रोथ है लोगों को जिनको इकोनॉमी की बहुत समझ नहीं होगी उनको लग रहा होगा कि उनकी उनकी वेजेस इंक्रीज हो गई हैं देन दे आर टॉकिंग अबाउट द जेंडर पे गैप जो एक और बहुत बड़ा इशू है तो उनका कहना है कि जो वुमेन है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्रीज वुमेन डू नॉट गेट द सेम सैलरीज सो गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू टैकल दिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इसको ऑलरेडी डाल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसको खत्म करना है ऐसी इनक्वेलिटीज को लेकिन आज भी नहीं हुई हैं एंड वैन वुमेन आर गेटिंग सैलरीज एंड वैन देर आर लेसर जॉब्स सो सबसे पहले वुमेन दे हैव दिस इंसेंटिव टू लीव द जॉब एट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मच अगर ज्यादा सैलरीज होंगी दे विल फाइट फॉर इट ऐसा एक परस्पेक्टिव यहाँ पर दिया गया है एट देर आर समजेस क्लाइमेट चेंज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स सो ये सब चीज़ों का भी थिंग्स बिकॉज इन सब का इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है फॉर इंस्टेंस लैक ऑफ एक्सेस टू वैक्सीन इन द पुरर वर्ल्ड इट विल यू नो स्प्रेडिंग द वायरस इन दुरर वर्ल्ड एंड वहां पर लॉकडर्म रखते रहेंगे दे विल बी सफरिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कॉस्ट बढ़ेगी सो ये कुछ चीजें यहां पर मैंशन की गई हैं इन दिस आर्टिकल अ वेरी नाइस मस्ट रीड आर्टिकल नेक्स्ट ऑन द टेक्स्ट एंड कंटेक्स पेजेस विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट तो ये काफी दिनों से चर्चा में है केरला के अंदर, में रीड समथिंग लाइक दिस तो आपको जरूर मैप कंसल्ट करना चाहिए एटलस खोल के देखना चाहिए वेर इज कोची वेर इज तिरुवनंतपुरम इन केरला कौन सी कोस्ट की बात हो रही है So, यहां पर देर इज अ पोर्ट दैट इज बिंग कंस्ट्रक्टेड बाई अडानी एवरीबडी नो इज अडानी बाई नो एड द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया सो अडानी इज बिल्डिंग अ पोर्ट है यहां के जो फिशरमैन है दे आर प्रोटेस्टिंग एट वॉट डे आर सींग इज कि जो ये कोस्ट है इसकी इरोजन तेज हो गई है सो कोस्टल इरोजन का एक इशू है दे आर सींगट दिसपन बिकॉज ऑफ द अडानीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बट डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं उसमें ऐसा नहीं पाया गया है कोस्टल इरोजन इससे पहले भी हो रही थी अब तेज हो गई है लेकिन उसका कारण है क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स राइट सो दैट इज़ द पॉइंट हेयर कि प्रोटेस्ट का कारण क्या है आईव टोल्ड यू कोस्टल इरोजन एंड सम पीपल वर डिस्प्लेस्ड उनको दोबारा से घर नहीं दिए गए कुछ और भी डिमांड्स हैं जो ज्यादातर जो फिशर फोक हैं यहां के उन्होंने रखी है कि उनको एक एश्योर्ड मिनिमम वेज दिया जाए जब सी जब समंदर इज हैविंग टफ वेदर एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट उनको एक एडवाइजरी uh, इशू करती है कि वो समंदर में ना जाए तो उस दिन उनके पास कुछ काम नहीं होता करने को कैरोसिन यूज करते हैं वो बोट्स के लिए वो सब्सिडाइज रेट्स पर मिलना चाहिए तो कुछ ऐसी भी डिमांड्स हैं राइट हैज द पोर्ट बिल्डिंग एक्टिविटी बाय अदानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एग्रेवेटेड Or increased the coastal erosion. Added as I told you, it has not been proved by different reports. Now, <laughs> protesters ka committee But already NGT, National Green Tribunal, committee As per that, port construction has not affected this area much, right? And some experts say it is located in an area which is pocket type, as you can see here. तो यहां पर पोर्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट कोस्टल इरोजन का नहीं हो रहा हालांकि कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन होगी वहां पर इरोजन तो होगी बट एट दिस कोस्ट नथिंग हैज सब्सटैंशल बिकॉज ऑफ दिस न्यू पोर्ट राइट सो ये एक प्रोटेस्ट चल रहे हैं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए लेकिन बहुत लंबे चौड़े आर्टिकल्स हम इसके बारे में पढ़े डजेंट मेक एनी सेंस येस वेन दे विल बी आर्टिकल ऑन कोस्टल इरोजन ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन वेस्टर्न घाट्स अगेन प्रडिक्टिंग थिंग और ये होंगे ऐसे आर्टिकल्स आएंगे आने वाले समय में जब इस इशू को सेंट्रल थीम रखते हुए पूरी वेस्टर्न घाट की कॉलोजी की डिस्कशन होगी कंस्ट्रक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट देन वी विल रीड दिस इशू इन डिटेल अभी बहुत सारी इवेंट्स यहां पर है बहुत सारी परसेंटेज यहां पर हैं विच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज सो जस्ट नो अबाउट द इशू गिव अविक रीडिंग टू दिस एंड मूव अहेड नेक्स्ट आर्टिकल अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके एजुकेशन के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में कुछ इवेंट्स हैं जो अभी तक हिस्ट्री में बहुत स्पेसिफिकली हमें नहीं पता थे तो कुछ नए डॉक्यूमेंट्स ब्रिटेन ने, ने रिलीज़ किए हैं उसे हमें पता लग गए हैं सो so, थोड़ी बहुत आप हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे लेकिन बहुत लंबी चर्चा आप इसके ऊपर पढ़ो उनकी लेटर्स में उन्होंने क्या लिखा किसको लिखा उनको जवाब क्या आया नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी सेक्शन ऑफ यूर एग्जामिनेशन इनिशियल टू थ्री पैराग्राफ्स यू कैन रीड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ओबीसीटेगराइजेशन तो अभी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में दैट विद इन द कास्ट विद इन द कम्युनिटीज देर माइट बी सम कास्ट जो ज्यादा पिछड़ी है या फिर जो कम पिछड़ी है तो ऐसा होना चाहिए जो इस कास्ट इस सोशल लीडर में नीचे है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज द पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन कि जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे लेके आना लेकिन अगर ब्लाइंडली हम सभी कैटेगरीज को सभी कम्युनिटीज को विद इन अ कास्ट ग्रुप रिजर्वेशन देते रहेंगे तो जो थोड़े से बेटर ऑफ होंगे जिनकी एजुकेशन थोड़ी ज्यादा होगी जिनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मोर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ दो कम्युनिटीज तो ये सारा का सारा रिजर्वेशन का फायदा इनको मिलता जाएगा सो दैट इज अस्कशन है सब कैटेगराइज सब कैटेगराइज़ तो ओबीसीज़, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज अदर बैकवर्ड क्लासेज अदर बैकवर्ड कास्ट तो जस्टिस जी जी रोहिणी ये पैनल था तो उसने रिपोर्ट दे दी है राइट right? कुछ फोर कैटेगरीज बनाई जाएंगी विद इन ओबीसी ऐसी कुछ रिकमेंडेशन सामने आ सकती हैं लेकिन अभी ये बहुत लंबी डिस्कशन है जितना मैंने आपको बता दिया आपके लिए इतना ही जानना जरूरी था अगेन आई एम सिंह एडिटोरियल आएंगे इसके ऊपर अभी रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी देन द डिस्कशन विल स्टार्ट वी विल रीड द डिस्कशन डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज हम आंसर राइटिंग करना चाहते हैं राइट ऑन द वर्ल्ड पेज ऑन द ग्लोबल पेज जो इंटरनेशनल न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इट इज दिस एक ब्रिटिश ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है दो पार्टी हैं ब्रिटेन के अंदर बड़ी लेबर कंजरवेटिव तो लेबर पार्टी की एक रिपोर्ट है कि वो कैसा ब्रिटेन देखना चाहते हैं उसमें कुछ हाउस ऑफ लॉर्ड्स को लेकर कुछ चर्चा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स द अपर हाउस जैसे राज्यसभा है इंडिया के अंदर बट इनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसकी उसकी फॉर्मेशन कुछ डिफरेंट तरीके से है तो उसको ऑल टुगेदर अबॉलिश कर देना चाहिए हम इसे क्यों पढ़ें हम इसे इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है

चर्च ऑफिशियो इलेवेंथ सेंचुरी है सो यू नो इन दोन वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपको पता होगा चर्च वॉज वेरी इंपॉर्टेंट देन सम हेरिटेटरी पेयर्स आर देयर तो इसको अबॉलिश कर देना चाहिए ही सेज इट इज इनडिफेंसिबल ये इतना एक आउटडेटेड इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन हो चुका है कि इसको तो डिफेंड किया भी नहीं जा सकता सो एवरी बडी विल एग्री That it should be abolished. That is what he's saying. That this cannot be defended. Then, kuch different areas hain, like Scotland, Wales, Northern Ireland, jo UK ka hissa hai. And most of the times they do not agree with England, right? So, either inko zada powers di ये आप बहुत जल्द देखोगे कि यूके से अलग होके डिफरेंट कंट्रीज भी बन सकते हैं ब्रेक्सिट की वजह से ये बहुत चर्चा में आ गए थे बिकॉज सम ऑफ दीज एरिया दे वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बट ब्रिटेन वॉन्टेड टू एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन तो ऐसे कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस होते रहते हैं एंड एज अ रिजल्ट इनको या तो पावर्स ज्यादा दी जाएंगी जिसको हम बोलते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स डेलीगेशन ऑफ पावर्स भी कह सकते हो तो यहां पे कुछ डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की भी बात कर रहे हैं बट नाउ अगेन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस येस फिल्म के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए लाइक वट वॉज द गुड गुड फ्राइडे एग्रीमेंट अगेन देर इज अडियो ऑन दिस चैनल वॉट इज ब्रेक्सिट राइट सो दैट वीडियो विल टेल यू कि क्यों ब्रेक्सिट किया गया था और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हालांकि एक पुरानी वीडियो है बट आपको बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा इन इन मच डिटेल

अगेन दिस मॉर्निंग वी आर डिस्कसिंग इन आर ऑनलाइन लाइव क्लास वॉट इज पी एम आई तो ये एक गवर्नमेंट इंडेक्स नहीं है ये स्टैंडर्ड्स एंड पुअर एक प्राइवेट कंपनी है ग्लोबल इंडिया सर्विसेस उनका एक परचेजर्स मैनेजर इंडेक्स है परचेजिंग मैनेजर फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस तो दोनों से यह पूछा जाएगा कि वॉट इज द यू नो कंडीशन ऑफ द मार्केट वॉट आर दमाउंट ऑफ ऑर्डर गेटिंग तो अभी सर्विसेज सेक्टर का यहां पर पब्लिश किया गया है इफ इट इज अब फिफ्टी दैट मीन इट इज ग्रोथ इफ इट इज बिलो फिफ्टी दैट द दे आर रिड्यूसिंग द मार्केट इज कंट्रैक्टिंग तो अभी द प्रेजेंट डाटा एज पर नवंबर इट इज 56.4 56.4 सिक्स पॉइंट एज कंपेयर टू 55.1 सो द ऑर्डर्स आर एक्सपेंडिंग सर्विसेज सेक्टर में ऑर्डर्स दे आर इंक्रीजिंग जॉब्स आर इंक्रीजिंग बट सर्विस सेक्टर ने ये भी फ्लैग किया कि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है तो जो कॉस्ट है दैट इज इंक्रीजिंग दैट इज वाई आर फोर्स टू इंक्रीज़ द प्राइसेस. सो अगेन इन्फ्लेशन, बट ऑर्डर्स आर इंक्रीजिंग, दैट इज अ पॉजिटिव साइन राइट एंड आउट ऑफ दीज ऑर्डर्स द ग्लोबल ऑर्डर्स आर आल्सो इंक्रीजिंग सो दिस इज रिलेटेड टू द आई सेक्टर जो बहुत सर्विस एक्सपोर्ट करता है और इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज इन सरप्लस तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इम्पोर्ट कम करते हैं सर्विस सेक्टर एंड वी आर एक्सपोर्टिंग टू द कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोज़ोन, जिनकी करेंसीज़ जब एक्सचेंज की जाती है तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है राइट सो दैट इज वाई दर्विस सेक्टर इट इज यू नो पार्ट इट इज द रीजन दैट इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस अगर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर भी ऐसा करेंगे तो हमारी ग्रोथ जो है वो एट परसेंट टू टेन परसेंट हो जाएगी जो हमें चाहिए कॉन्स्टेंटली फॉर फाइव टू टेन ईयर्स अगर हम चाहते हैं कि इंडिया के जो सभी गरीब हैं वो गरीबी से ऊपर आ जाए राइट सो दैट वॉज अबाउट द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एंड दैट इज ऑल फॉर टूडेज न्यूज पेपर आफ्टर दिस यू गिव अ क्विक रीडिंग टू दिस न्यूज पेपर एंड ओनली टू द इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट सेक्शंस नाउ यू नो वट इज इंपॉर्टेंट वॉट इज रेलिवेंट वट मस्ट बी रेड वट कैन बी स्किप्ट बिकॉज वो आगे डिस्कशन में आएगा ही तो हम उसकी डिस्कशन जब उस दिन पढ़ेंगे तो हमारी बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी सो so, आज हम कुछ जगहों पर टाइम सेव कर सकते हैं एंड दैट वॉज ऑल इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट एनी न्यूज पेपर एनी करंट अफेयर यू वॉन्ट टू डिस्कस यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन वेन एव यू आर सींग दिस वीडियो दैट इज वॉल दैट इज ऑल फॉर टूडे एंड हैव अ वेरी गुड प्रोडक्टिव डे डोंट वेस्ट एनी टाइम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करो स्पेसिफिकली जो दो हजार तेईस में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं यू जस्ट हैव अ फ्यू मंथ्स लिफ्ट सो डू नॉट वेस्ट एनी टाइम सो विल सी यू सी ईच अदर एट एलेवन थर्टी ए एम टुमोरो अगेन विद टुमारोज न्यूज पेपर तो कल की डिस्कशन करेंगे साढ़े ग्यारह बजे राइट सी यू ऑल टुमोरो